अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, आज मैं बनाऊंगी अलसी की रोटी जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं और इसको तीसी भी कहते हैं। तो इसकी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे सत्तू की रोटी लगती है खाने में वैसे इसकी रोटी लगती है खाने में। तो ये अलसी बहुत फ़ायदा है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही फ़ायदा है। इसको फेस पर भी लोग लगाते हैं, इसका जेल बना करके, बालों में भी इसका जेल बना के लगाते हैं। तो इसकी मैं इसकी रोटी बनाऊँगी, तो इसको रोस्ट हम कर दिए थे और इसका पाउडर बना दिए थे। पाउडर बना के इसको कंटेनर में मैं अब इसको रख दी हूँ, जब यूज़ करना हो उसे निकाल के मैं इसको बनाऊँगी। तो मैं इसको अभी इसकी रोटी बनाना है तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और इसको रोस्ट इसलिए कर ली थी कि ये बहुत ही अच्छा खुशबू लगता है खाने में, सौंधा सौंधा लगता है। और ये तो वैसे भी मार्केट में इसका पाउडर मिल जाता है, लेकिन मैं इसका खुद ही से इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना ली हूँ। और इसमें मैंने डाला प्याज अंडा की तरह काटेंगे और हरी धनिया और हरी मिर्च इसमें काट दिया है, इसमें और भी लहसुन भी काट सकते हैं और अच्छा लगता है। ये भुना ज़ीरा है, नमक है और गोलमिर्च पाउडर मैंने डाल दिया और ये सरसों का तेल है। पहले इससे मैं खूब अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि वो ज़्यादा पानी उसके हिसाब से डालेंगे। और जब अच्छे से इसको मिक्स कर दिया तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी गीला हो जाता है। और इसको फिर रख देंगे तो फिर खूब अच्छा से ये वो अपना सोख लेगा पानी या कड़कपन तो आ जाएगा। तो इसको आटे में स्टफ़ करने में सही रहता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ और ये देखिए हो गया सख्त सा हो गया। तो अब मैं आटा को बस मुलायम इसको सानना है, जैसे रोटी का आटा होता है वैसे बस मुलायम सान लिया। उसके बाद से इसको इसी तरह भरते जाएंगे, बेलते जाएंगे और इसमें घी लगा के सेके और खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सॉफ्ट इसकी रोटी लगती है खाने में। ये इसको रोस्ट करने के बाद से खूब अच्छा सौंधा सौंधा सा लगा खाने में। तो ये कोई एक टाइम इसको ले सकते हैं इसकी रोटी को, कोलेस्ट्रॉल वाले खासकर इसको खाते हैं इसकी रोटी, इसका सलाद भी बनता है। इसी तरह तैयार हो गया रोटी, इसको चटनी के साथ सैलड के साथ खाएं तो अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आसानी से टूट गया है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसकी रोटी बनाएं, वैसे भी खाएं, भुना हुआ है पाउडर तो पानी में घोल के भी खाएं पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका रहता है, इसमें वेट लूज भी इससे पीने से होता है।